तो हेलो दोस्तों, इंद्र ड्रग एजेंसी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मेकोवेस्ट पीजी टैबलेट के बारे में सभी जानकारियां आपको देंगे। मेकोवेस्ट पीजी टैबलेट को लेकर लोगों के मन में यह सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेकोवेस्ट टैबलेट कब उपयोग किया जाता है, यह कैसे काम करता है और कैसे लेना चाहिए इसे, इसका उपयोग कब नहीं करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है। इससे जुड़ी मुख्य जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी जानकारियां मिस ना हो। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा का उपयोग न करें। दोस्तों, मेकोवेस्ट पीजी टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से दौरे को रोकने के लिए किया जाता है। यह दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। दोस्तों, यह दौरे के अलावा हार्ट अटैक, बेचैन, पैरों के सिंड्रोम और प्रसव पीड़ा के बाद नसों के दर्द जैसे इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मेकोवेस्ट पीजी दवा के तहत यह सलाह भी दी जाती है कि आप ऐसी गतिविधियों से बचें जैसे भारी वस्तुओं को उठाना या गाड़ी चलाना। इन सभी गतिविधियों का ध्यान रखें क्योंकि इस दवा के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे संज्ञानात्मक कौशल का धीमा होना, चक्कर आना और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। अगर यह प्रभाव आपको महसूस हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ अधिक गंभीर होता जा रहा है तो अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। दोस्तों, यदि आप यह ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अधिक गुस्सा आना, बेचैनी होना, नींद न आना, त्वचा पर चमके शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मेकोवेस्ट पीजी टैबलेट को सेवन करने से पहले अपने वर्तमान स्थिति को डॉक्टर को जरूर बताएं। जैसे किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, गर्भवती होना या गर्भवती होने की योजना बनाना, या आप अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो भी बताएं। आपको यह सभी परेशानियां हो रही हैं तो अपने डॉक्टर को सबसे पहले बताएं, उसके बाद ही इस दवा का सेवन करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसको कितना लेना चाहिए। दोस्तों, यह लगभग 300 mg से 600 mg दिन में 3 बार होती है। आपको 1 कप या 1 चम्मच से इसकी माप लेनी है। तीनों खुराक के बीच का अंतर 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसे भोजन के साथ लेना चाहिए या बिना भोजन के लेना चाहिए। दोस्तों, यह दवा भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप भोजन के बाद ही लें। दोस्तों, यदि कोई खुराक छूट जाए तो क्या करें। छूटा हुआ खुराक के मामले में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छूटा हुआ खुराक तुरंत लें। छूटे हुए खुराक का भरपाई करने के लिए अधिक मात्रा में इस दवा का सेवन न करें। यदि आपका अगले खुराक का समय हो गया है तो पिछला खुराक छोड़ दें। अगर आपका दवा गलती से ओवरडोज हो गया है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि इस दवा का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, तो आपको बता दें इस दवा का प्रभाव 15 से 21 घंटे की अवधि के लिए होता है। लोग यह भी पूछते हैं कि इसका असर कितनी देर बाद शुरू होता है। आमतौर पर इस दवा का प्रभाव 2 से 3 घंटे में देखा जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान इस दवा का उपयोग करना ठीक है या नहीं है। गर्भवती महिलाएं इस दवा का उपयोग न करें। यदि डॉक्टर लिखता है तो आप ले सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर जोखिम पर विचार करके यह दवा लिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, इस दवा का उपयोग करने के बाद इसके दुष्प्रभाव विपरीत संकेत हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, उत्तेजना बढ़ना, बेचैनी होना, आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, भूख बढ़ना, वजन में बदलाव होना, चिड़चिड़ापन रहना, निचली पीठ में दर्द होना, ये सभी दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको और भी किसी दवा के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताएं। मेकोवेस्ट पीजी टैबलेट को जानने में हमारी यह वीडियो आपका थोड़ा सा भी मदद की हो तो कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, राधे राधे।